संडे है तो बस बेडशीट चेंज हो रही है। अभी क्या इशू हो गया है, हमने लिया है न्यू मैट्रेस और ये कुछ इस तरीके से है न्यू मैट्रेस, और ये अभी सिंगल मैट्रेस हो गया है और काफ़ी ऊंचा भी हो गया है, तो हमारी चादरें हो गई है छोटी, तो मैं ये भी बड़ी मुश्किल से बिछा पाती हूँ। और हमने दूसरा हमारा पुराना मैट्रेस यहाँ साइड में रखा है, बस इसको हटाना है। और ये एक्चुअली ज़्यादा बेटर था, ये 60 डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी मुझे नहीं पता, बट ये ऊपर से सॉफ्ट है काफ़ी और नीचे हार्ड वाला नीचे है और ऊपर सॉफ्ट वाला है। और ये वाला जो था ये बहुत ज़्यादा कड़क था, तो हमें वैसे हमारी हेल्थ के लिए ना कड़क ही होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका कवर भी थोड़ा सा ऊपर से चेन ख़राब हो गई है, इसके लिए कवर लेना अभी बाकी है बिकॉज़ ये नया है अभी। तो फिर अभी ये वाली मुश्किल हम जो ना सॉल्व करते हैं किसी तरीके से। चादर बिछाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम का यूज़ करते हैं, ये इस तरीके से कॉम है और यहाँ पर इस तरीके से इसको प्रेस करते हैं जिससे ये अंदर चला जाए, क्योंकि ये उठाना मैंने जैसे बोला आपको बहुत मुश्किल पड़ता है, तो इसी से दबा दबा के। और देखो ये चादर इधर से इतनी सी बची है, कहाँ अंदर डालो, ये मुश्किल है, ये अगर ज़्यादा ऊँचे गद्दे आ जाते हैं तो। बट फिर भी अभी किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। नई नई बेड शीट खरीदनी पड़ेंगी, तो शॉपिंग पे चलना ज़रूरी है। तो बेड बिछा दिया है मैंने कुछ इस तरीके से, और तकियों को कभी भी इस तरीके से दो तकियों को एक साथ ऊपर नहीं रखते हैं, हमेशा साइड में रखते हैं, वो अच्छा मैं नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से बिछ गया है समहाउ, हमने इसको दबा दबा के बिछा दिया है। हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी वेल्दी, फिट एंड फाइन। बारिश आ रही है बाहर बहुत सारी और एक पूजा में जाना है, तो बस वहीं पूजा में चलते हैं। इसे मुश्किल से टप टप के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारिश है। सही स्टडी टाइम खत्म हो गया और मैं ये ड्राइंग बना रही हूँ, शुभू ये ड्राइंग बना रहा है अपना। मैंने कलर्स दे दिए उसको, ये पुराने पुराने कलर्स पड़े हुए हैं तो हमने कहा इसका यूज़ ही हो जाएगा, तो कलर बनाने बैठ गए हैं दोनों लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन। मेरी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, दो चार दिन हो गए हैं और मेरे वीडियोस आई होप सो आप देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और कमेंट भी दीजिएगा प्लीज़ कैसे लगी आपको वीडियोस, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे कंटिन्यू मैं वीडियोस इसी तरीके से जिससे बना सकूँ। और आई होप सो आपको मेरे शॉर्ट्स भी अच्छे लग रहे हों, जो मैंने छोटी छोटी बातों का जो एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं जो हमारे जीवन में जो, और या यूँ कह लीजिए कि हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की लर्निंग्स मिलती है, मैंने उसके बिहाफ पर वो स्टार्ट किया था, और वो भी देखिए प्लीज़, उसे भी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और बहरहाल छुट्टियों का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने घर का ख्याल रखें, तो बस वही चालू है, घर की सफाई और ऑल ये सब चीज़ें चालू है। और मैंने लगा रखा है ढेर सारा ऑयल, एक्चुअली हेयर जब वॉश्ड हो तभी ऑयल लगाना चाहिए, तो अब छुट्टियां हैं तो मैंने काफ़ी सारा ऑयल लगाया है जिससे हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ का पानी थोड़ा सा सॉल्टी है, तो जिसकी वजह से हेयर का ग्रोथ जो ना रुक जाता है, कभी ग्रे हो जाते हैं, कभी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल डालें और एक दिन तो एटलीस्ट रखें और फिर वॉश करें। और जो डेली वॉश करते हैं हेयर्स, उनके साथ तो ये बहुत इश्यूज़ हो जाता है, स्पेशली मेंस के साथ, या गंजे शुरू हो जाते हैं इधर से होना, और लेडीज़ के साथ पहले हेयर फॉल शुरू होगा, बाद में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई कई। तो उन सब से बचने के लिए एक अच्छा सा हेयर ऑयल चूज करें जो प्योर हो, जबकि मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल अवेलेबल हैं, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगी। आई विल शो यू माय हेयर ऑयल, दिस इज माय हेयर ऑयल। मैंने ये प्योर जो कोकोनट होता है मैंने वो लिया है, चक्की जो चक्की वाला होता है ना ये वो है, तो मैं इसका नंबर मैं कई बार आपको दिखाया भी है वीडियोस में, पर फिर भी आज भी मैं इसका नंबर यहाँ छोड़ दूंगी, आपको नीचे स्क्रॉल करेगा नंबर आप देखिएगा, और आप चाहें तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, मैं उनको नहीं जानती हूँ कौन, बट जस्ट मैं आप लोगों को जानती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा कुछ अच्छा हेयर ऑयल यूज़ करें
जिससे आपको फायदा होगा। ये आपकी, जैसे मैंने कई बार बोला भी है कि पेड़ों के जैसे ही हमारे हेयर हेयर भी होते हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत है केयर की। तो एक अच्छा सा प्योर हेयर ऑयल यूज़ करें और कम से कम 4-5 घंटे रहने दें। अगर 1-1.5 दिन रह पाता है ऑयल तो ज़्यादा अच्छा है। आप वर्किंग है तो हो सकता है ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे आप लोग, बट फिर भी स्टिल ट्राई करें कि एटलीस्ट 1-1.5 दिन रख सके, नहीं तो मिनिमम 1 डे या 1 आवर भी चलेगा। चलो नहीं है टाइम तो 1 आवर तो एटलीस्ट रखो आप लोग। तो इससे जो ना थोड़ा थोड़ा सा बालों को नरिशमेंट मिलेगा और थोड़ा अच्छे हो जाएंगे, वरना तो हेयर प्रॉब्लम्स बहुत सारी आपको पता ही आजकल चलती रहती है। बहरहाल आप ये पर्दे देख रहे हैं, आज इनको, इनके पीछे की आपको असलियत मैं दिखाने जा रही हूँ। इसके पीछे है एक बेडशीट, ये देख सकते हैं मैंने एक बेडशीट लगाई हुई है। एक्चुअली यहाँ से ये सनसेट वाला डायरेक्शन है मेरा इस बेडरूम का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, जबकि इस कर्टन को हमने डबल करवाया हुआ, ऑलरेडी इसमें एक कपड़ा लगा हुआ है। पहले हमने सिंगल पर्दा लगाया था, फिर बहुत धूप आने लगी तो हमने डबल कर दिया, तो ये काफ़ी सालों से डबल है। उसके बावजूद जब भी समर आती है, लाइक अप्रैल एंड मई और मे बी थोड़ा जून भी, मुझे पूरा ये चादर पीछे बैकग्राउंड में लगा के रखनी पड़ती है, क्योंकि धूप आने की वजह से ये रूम पूरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर दोपहर में तो बैठना बहुत मुश्किल होता है, फैन तो ऐसा होता है जैसे गर्म हवा पूरी फेंक रहा है, तो एसी भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है अगर ये ना हो तो। अब आ गई है यहाँ पर रेनी सीजन, आपने देखा मेरे वीडियोस में बहुत बारिश हो रही है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, तो बस अब इसे हटाते हैं और बहुत सारी रोशनी आएगी इस रूम में अच्छे से, अदरवाइज लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वैसे मैं थोड़ा सा विंडो आप देख सकते हैं ये खोल देती हूँ मैं इस साइड से, बट अभी हम पूरा हटा देते हैं जिससे प्रॉपर अच्छे से रोशनी आ जाए और आज विंडो की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और भी बहुत सारी क्लीनिंग चालू है तो वो मैं फॉरवर्ड पे आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे कि क्लीनिंग वाले ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं। बट मुझे घर की क्लीनिंग पे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, बच्चे भी प्लस बड़े भी, सब लोग ध्यान रखें कि घर को हेल्दी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बताया भी आपको कई बार कि फैला हुआ घर एक बात हो सकती है, पर अनहेल्दी घर नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपकी हेल्थ बिगाड़ सकता है। तो इसलिए घर को हेल्थ वाइज बहुत अच्छा करके रखें। और ये देखो सरप्राइज, ये शुभ का एक न्यू हाउस बनाया है उसने, न्यू बेडरूम बनाया है, पूरे सोफों को क्या कर दिया है। मैंने बोला ना ये ड्राइंग रूम का जैसा भी दिखे आपको उसका जिम्मेदार है ओनली शुभ। लेटर लेटे यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया रीड कर रहा है। इंसाइक्लोपीडिया मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी बुक होती है, और शुभ को ना यूनिवर्स और वर्ल्ड पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो ये इंसाइक्लोपीडिया है वो रीड कर रहा है। मैं बहुत आगे हूँ। हाँ, उसको ये बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग लगते हैं सारे टॉपिक्स, हाँ हर तरीके के, सारे कॉन्टिनेंट, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है डिफरेंट कंट्रीज के, तो ये बहुत ही मज़ेदार है ये बुक। कुछ ऐसी, एक मिनट, ये बुक कुछ ऐसी सी दिखती है, द न्यू चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया। तो मैंने ले ली है एक चेयर, इसके ऊपर खड़े होके मैं निकालती हूँ। कल वॉशिंग मशीन मेरी अचानक से ख़राब हो गई, इसके ऊपर पूरा पानी गिर गया, और कहाँ पानी गिरा, कहाँ से, यहाँ से लीक हो गया। ये आप देख रहे हैं कितना क्षार जम गया है, बहुत सारा, क्योंकि पानी में यहाँ नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पूरा फुल हो गया था। पहले यहाँ से पानी भी नहीं फ्लो हो रहा था, तो हमने एक भैया से इसको ठीक करवाया, तो वो ठीक करके वापस तो लगा के गए, पर पता नहीं कैसे लूज हो गया ये, और यहाँ से पूरा पानी ऐसे ऐसे करके पूरी मशीन पर आके गिरा, ऐसे पूरा का पूरा पानी गिर गया आके। अब वो पानी गिरा तो गिरा, इसके अंदर चला गया, यहाँ भी चला गया, मैं, मेरे को 2-3 मिनट लगे आते आते। ये क्लीन हो गया है पूरा, क्लीन करके वापस बुक्स को लगा दिया है मैंने। मैं ड्रेसिंग टेबल का ये पोर्शन खाली करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, डेली वर्किंग होने की वजह से नहीं पता, तो मैंने ये जब हमने ये ड्रेसिंग टेबल बनवाई थी तो ये चीज़ अलग से करवा दी थी जिससे क्लीन भी हो सके आराम से, तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया, यहाँ पर रख देंगे। और ये देखिए कितना मैस है, तो अभी इसको क्लीन करना शुरू करते हैं।
भी काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। मैंने रबर बैंड्स इधर रख दिए हैं, कॉम इधर है और ये बहुत सारे डिफरेंट क्लिप्स इधर हैं। इसमें छोटे छोटे मैंने सेफ्टी पिंस रख दिए हैं, इस तरीके से ये रेडी हो गया। अब इसे बंद कर देते हैं और इतना सारा सामान मैंने बाहर निकाल, मैंने इसे भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। जगह खाली कर दी है मैंने थोड़ी, जिससे क्या ना थोड़ा और सामान आ सके प्रॉपर पे में, तो अब भी जगह खाली कर दी है भाई, यहाँ पे लगाऊंगी कुछ और बाद में। तो ये भी थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दिया है और जो नेल पेंट खराब थे फेंक दिए।